तो गाइस अभी जो फोटो को आप अपनी मोबाइल की स्क्रीन पे दोस्तों देख रहे हो, इस फोटो को गाइस 3D फोटो कहते हैं। और इस तरह का दोस्तों 3D फोटो आपको फेसबुक में काफ़ी ज़्यादा आपको वायरल दिख रहा होगा। गाइस आपको भी अगर अपना फोटो को कुछ इसी तरह से गाइस 3D में कन्वर्ट करना है तो गाइस मेरे इस वीडियो को आपको थोड़ा सा ध्यान देकर देखना होगा। आज के इस वीडियो में गाइस आपका जो फोटो है उसको फ्रेंड्स आपको 3D फोटो में बनाना सिखाने वाला हूँ, वो भी गाइस आपका जो मोबाइल है उसी की हेल्प से। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग के साथ मज़ेदार होने वाली है, तो वीडियो को आपने अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो यार दिमाग लगाकर सोच क्या रहे हो भाई, क्या वीडियो फटाफट एक लाइक कर दीजिए। और गाइस अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ही मेरे वीडियो को देख रहे हो तो आपको इसी वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिखेगा, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके आप वहाँ पर ऑल सेलेक्ट कर ले ताकि मैं कुछ भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूँगा उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत से मिलेगा। अब यार आपका जो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है पिक्सआर्ट उसको बस आपको ओपन करना है। तो दोस्तों चलिए अपने पिक्सआर्ट एप्लीकेशन का आप ओपन कीजिए, मैं जाकर वहाँ पर आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरा पिक्सआर्ट एप्लीकेशन है उसको मैं यहाँ पर ओपन कर रहा हूँ। तो गाइस देख सकते हैं जो पिक्सआर्ट एप्लीकेशन का फर्स्ट इंटरफेस है कुछ इस तरह से आपके सामने आएगा। अब दोस्तों आपको नीचे में यहाँ पर जो प्लस का एक मार्क दिख रहा होगा इस बारे प्लस मार्क में फ्रेंड्स आपको क्लिक करके अपना गैलरी को ओपन करना होगा। और यहाँ से गाइस आपको उस वाले फोटो का आपको सिलेक्शन करना होगा जिस फोटो गाइस आप यहाँ पे 3D में आप कन्वर्ट करना चाहते हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरा फोटो है उसको मैंने सिलेक्शन कर लिया है। अब गाइस आपका फ़ोन का अगर रोटेशन ऑन नहीं किया हुआ है तो फ्रेंड्स आप क्या कीजिएगा, आप अपने फ़ोन के रोटेशन को आप कुछ इस तरह से गाइस आप ऑन कर लीजिएगा। ऑन कर लेने के बाद दोस्तों आपको अपने फ़ोन को कुछ इस तरह से आपको टेढ़ा करना होगा। टेढ़ा कर लेने के बाद गाइस आप क्या कीजिएगा, आपको दोस्तों राइट साइड में ऑप्शन सब दिख रहा होगा देख सकते हैं, इसी ऑप्शन के बीच आपको यहाँ पर एक ड्रॉ का ऑप्शन दिखेगा, आपको दोस्तों इस वाले ड्रॉ में आपको क्लिक करना होगा और यहाँ पर आपको फिर से आपको ड्रॉ पे आपको सिलेक्शन कर देना होगा। जैसे दोस्तों आप इसमें क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से गाइस आपका यहाँ पर एक डेस्क आपके सामने आ जाएगा। आपको दोस्तों जो सारा काम है आपको यहीं पर करना होगा। सबसे पहले गाइस आप क्या कीजिएगा, आपको दोस्तों जो कलर का ऑप्शन दिख रहा होगा इस वाले कलर के ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर गाइस आप कुछ इस तरह से आप नीचे को बढ़ा के आप यहाँ पर 90% पर आप कर दीजिएगा। कुछ इस तरह से कर देने के बाद आपको यहाँ से ओके करना होगा। ओके कर लेने के बाद गाइज आपको यहाँ पर क्या करना होगा, आपका दोस्तों फोटो में जितने सारे ऑब्जेक्ट है उसको दोस्तों आपको अलग अलग करके आपको यहाँ पर ड्रॉ करना होगा, जिसके बारे में गाइज मैं यहाँ पर आगे बताऊँगा। तो यार सबसे पहले मैं यहाँ पर जो मेरा फोटो है उसको मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ। सबसे पहले आपको जो पेंसिल का साइज है उसको फ्रेंड्स आपको यहाँ पर सिलेक्शन कर लेना होगा कुछ इस तरह से। देख सकते हैं यहाँ पर मैं अपने हिसाब से सिलेक्ट कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से कुछ इस तरह से सिलेक्ट कर लीजिएगा और आप यहाँ पर सेट पर आप क्लिक कीजिएगा। उसके बाद गाइज मैं अपने दोनों हाथों से कुछ इस तरह से अपना जो फोटो है उसको मैं यहाँ पर जूम करूँगा। जूम कर लेने के बाद दोस्तों जो मेरा फोटो है उसके ऊपर मैं हाथ से कुछ इस तरह से गाइस यहाँ पे घिस घिस के यहाँ पे ड्रॉ करूँगा जिस तरह से गाइस मैं कर रहा हूँ। यहाँ पर आप भी अपना जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट या फिर आपका जो फोटो होगा उसको फ्रेंड्स आप कुछ इस तरह से आप यहाँ पे ड्रॉ कीजिएगा। आपको दोस्तों जो ये चीज़ आपको अच्छे से आपको करनी है कुछ इस तरह से। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरा फोटो है उसको मैंने यहाँ पर कुछ इस तरह से ड्रॉ कर लिया है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, आपको ये जो ऑप्शन दिख रहा होगा इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर गाइस आपको एड लेयर पे आपको सिलेक्शन करना है और यहाँ पर गाइस आप इफ्टी लेयर गाइस आप यहाँ पर सिलेक्शन कर लीजिएगा कुछ इस तरह से। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पर गाइस मेरा एक इफ्टी लेयर बन चुका है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, आपको जो कलर का ऑप्शन है इस वाले कलर के ऑप्शन को क्लिक करना है और यहाँ पर गाइस आप कुछ इस तरह से इसको घटा के आप 70% में आप कर दीजिएगा कुछ इस तरह से। कर देने के बाद आपको यहाँ से ओके करना होगा। ओके कर लेने के बाद गाइस अभी आपका जो मंकी है या फिर गाइस आपके फोटो में दोस्तों जो ऑब्जेक्ट रहेगा दूसरा उसको फ्रेंड्स आपको कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे ड्रॉ करना होगा। गाइस मैं आपको बता दूं कि ये जो काम है गाइस आपको यहाँ पे ध्यान से करनी है। तो यार मैं जिस तरह से यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ मेरा सेकंड ऑब्जेक्ट को, आप भी गाइस कुछ इसी तरह से आपका जो सेकंड ऑब्जेक्ट होगा उसको आप ड्रॉ कीजिएगा कुछ इस तरह से। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरा मंकी है उसको मैंने कुछ इस तरह से ड्रॉ कर लिया है। अब गाइस नीचे में यहाँ पर जो मेरा कार है इसको भी मुझे ड्रॉ करना होगा। उसके लिए भी गाइस सेम मैं इसी तरह से इसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगा, यहाँ पे एड लेयर पर सिलेक्शन करूँगा, इफ्टी लेयर पर एक लूँगा और यहाँ पर गाइस आपको फिर से आपको कलर के ऑप्शन पर आपको सिलेक्शन करना होगा और यहाँ पर गाइस इसको आप घटा दीजिएगा कुछ इस तरह से। गाइस आप 40% में आप कर दीजिएगा यहाँ पर 40% पे और आपको यहाँ से ओके करना होगा। ओके कर लेने के बाद गाइस अभी मुझे यहाँ पर कार पर करना है तो मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से अपना जो फोटो है उसको जूम करूँगा। सॉरी दोस्तों मैं कुछ इस तरह से यहाँ पर जूम करूँगा कार के इधर, यहाँ पर गाइस कार का जो मेरा है उसको मैं यहाँ पर कुछ इस तरह ड्रॉ करूँगा। तो यार आप भी क्या कीजिएगा, आपका जितने सारे दोस्तों ऑब्जेक्ट होगा कुछ उसी तरह से गाइस आप यहाँ पर सिलेक्शन कीजिएगा जिस तरह से गाइस मैं यहाँ पर कर रहा हूँ कुछ इस तरह से। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं जितने सारे दोस्तों मेरे ऑब्जेक्ट थे उन सारे ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पर सिलेक्शन कर लिया है। अब दोस्तों आपको क्या करना होगा, आपको इसी वाले ऑप्शन को क्लिक करना होगा और यहाँ पर गाइस आपको जो फोटो फाइल है उसमें आपको क्लिक करना है। क्लिक कर लेने के बाद गाइस फिर से आप कलर के ऑप्शन पर आप क्लिक कीजिएगा
और यहाँ पर गाइस आप इसको घटा के कुछ इस तरह से आपको 10% में आपको कर देना है। कुछ इस तरह से गाइस आप यहाँ पे 10% पे आप कर दीजिएगा। कुछ इस तरह से 10% में कर लेने के बाद आपको यहाँ से ओके करना होगा। ओके कर लेने के बाद आपको जो ये बॉक्स दिख रहा होगा देख सकते इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर गाइस आपको इस वाले ऑप्शन पर आपको सिलेक्ट कर देना होगा। कर देने के बाद गाइस आप क्या कीजिएगा कुछ इस तरह से फील्ड पर आप क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आप यहां से ओके कीजिएगा दोस्तों और यहां से इस वाले कोना में पकड़ के कुछ इस तरह से गाइस आप अपना जो फोटो है उसके ऊपर कुछ इस तरह से आप यहां पे चढ़ा दीजिएगा। कुछ इस तरह से चढ़ा देने के बाद आपको यहां से बाहर में एक बार क्लिक करना होगा और गाइस ये जो चीज़ है इसको फ्रेंड्स यहाँ से हटा देना है। हटा देने के बाद आप यहाँ से एक बार ओके कीजिएगा दोस्तों। ओके करके दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है आपका जो फोटो है यहाँ पर बाहर में आ जाएगा। अब दोस्तों फिर से आप ये जो आपको राइट साइड में ऑप्शन सब दिख रहा होगा इसी ऑप्शन के बीच आपको जो यहाँ पर ड्रॉ का ऑप्शन है इसी पर ड्रॉ में आपको क्लिक करना है। फिर से ड्रॉ दोस्तों आपको ड्रॉ में आपको सिलेक्शन करके आपका जो ये फोटो है इसको फ्रेंड्स आप थ्री डॉट में क्लिक करके अपने गैलरी में सेव कर लीजिएगा। सेव कर लेने के बाद गाइस आपको क्या करना है बैक करके कुछ इस तरह से आपको यहाँ से ओके करके आना होगा। कुछ इस तरह से बैक कीजिएगा दोस्तों और आपका जो फाइल है मतलब मेन फाइल उसको भी फ्रेंड्स आप कुछ इसी तरह से ड्रॉ पर आप सिलेक्शन कीजिएगा। इस बार ड्रॉ पर आप सिलेक्शन कीजिएगा थ्री डॉट में क्लिक करके इसको भी फोटो को आप कुछ इस तरह से आप सेव कर लीजिएगा। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरा दोनों फाइल है वो मेरा यहाँ पर सेव हो चुका है। अब मुझे दोस्तों क्या करना है ये दोनों फाइल का मुझे यहाँ पर रीनेम करना होगा। तो यार मैं चलिए मैं अपने यहाँ पर फाइल मैनेजर में लेके चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ इसमें क्या रीनेम करना है। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरा फाइल है यहाँ पर दोनों आ चुका है। अब गाइस जो मैंने यहाँ पर ड्रॉ करके फाइल बनाया उसको मैं फ्रेंड्स कुछ इस तरह क्लिक करूँगा और यहाँ पर गाइस थ्री डॉट में क्लिक करके इसका मैं यहाँ पर रीनेम करूँगा। तो गाइस आपको यहाँ पर जो इसका रीनेम करना होगा तो आपको यहाँ पर लिखना होगा दोस्तों कुछ इस तरह से गाइस जो आपका नाम लिखा है उसको कुछ इस तरह से आप हटा लीजिएगा। हटा लेने के बाद दोस्तों आपको जो डॉट है इसको आपको रहने देना होगा। इसके बाद गाइस आप यहाँ पर लिखिएगा डेप्थ कुछ इस तरह से आप यहाँ पर डेप्थ लिखिएगा और गाइस आप यहां से रीनेम कर दीजिएगा कुछ इस तरह से। कर देने के बाद गाइस आपका जो दूसरा फाइल है उसमें फ्रेंड्स आपको कुछ इस तरह से आपको क्लिक करना होगा। मतलब गाइस आपका ओरिजिनल फाइल में क्लिक करके गाइस आपको जो थ्री डॉट दिख रहा होगा इसी वाले थ्री डॉट में क्लिक करना होगा और रीनेम पे क्लिक करके गाइस अभी फ्रेंड्स इसका जो नाम है आपको सिर्फ पिक्सार्ट आपको रखना है। कुछ इस तरह से गाइस आप इसका नाम जो है दोस्तों आप यहाँ पर पिक्सार्ट ही आप रहने दीजिएगा कुछ इस तरह से और आपको यहाँ पर रीनेम पर आपको क्लिक कर देना होगा। अब दोस्तों आपको क्या करना है आपका जो क्रोम ब्राउजर है उसको फ्रेंड्स आपको ओपन करना होगा। तो यार मैं अभी अपने फ़ोन का जो क्रोम ब्राउजर है उसको मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरा क्रोम ब्राउजर है उसको मैंने ओपन कर लिया है। अब दोस्तों आपको क्या करना है आपको जो थ्री डॉट दिख रहा होगा देख सकते हैं इस वाले थ्री डॉट में क्लिक करके आप यहाँ पर डेस्कटॉप साइट को आप ऑन कर दीजिएगा। उसके बाद गाइस आप यहाँ पर टाइप करके लिखिएगा www.facebook.com कुछ इस तरह से गाइस आप लिखिएगा और गाइस आपको यहाँ पर सर्च पर आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे दोस्तों आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपका दोस्तों जो फेसबुक है कुछ इस तरह से गाइस आपको डेस्कटॉप मोड में आपका कुछ इस तरह से आप खुल जाएगा देख सकते हैं। अब गाइस आपको क्या करना है आपको गाइस कुछ इस तरह का परमिशन मांगेगा तो आपको गाइस यहाँ पे यस नो करके कर देना है। कर देने के बाद गाइस आपका जो प्रोफाइल है गाइस उसमें आपको जाना है कुछ इस तरह से। प्रोफाइल में आप चले जाइएगा कुछ इस तरह से। जाने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है आपको गाइस यहाँ पर देख सकते हैं फोटो ऑब्लिक आपको वीडियो का ऑप्शन दिख रहा होगा तो गाइस आपको इसमें क्लिक करना होगा। क्लिक कर लेने के बाद गाइस आपको देख सकते हैं यहाँ पर फाइल्स का ऑप्शन दिख रहा होगा इस वाले फाइल्स के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर गाइस आपको क्या करना होगा आपका जो फाइल है देख सकते हैं ये वाला मेरा डेप्थ फाइल और ये वाला रहा मेरा ओरिजिनल फाइल। तो गाइस मैं क्या करूँगा अभी दोनों फाइल को कुछ इस तरह से गाइस लॉन्ग प्रेस करके रखूँगा यहाँ पर और दोनों फाइल को कुछ इस तरह से मैं सिलेक्शन कर लूँगा और गाइस अपर में जो सिलेक्ट का ऑप्शन है इस वाले सिलेक्ट के ऑप्शन पर मैं यहाँ पर सिलेक्शन कर दूँगा। जैसे दोस्तों मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ कुछ इस तरह से गाइस जो मेरा फोटो है यहाँ पर आ जाता है। गाइस मैं आपको बता दूँ कि ये जो काम है यहाँ पर प्रोसेस होने में थोड़ा सा गाइस आपको यहाँ पर टाइम लगेगा। तो गाइस मैं यहाँ पर ये जो प्रोसेस है यहाँ पर होने देता हूँ। तो गाइस देख सकते हैं जो मेरा फोटो है यहाँ पर 3D में आप कन्वर्ट हो रहा है। तो गाइस जब होगा तो ये जो आपको नीचे में पोस्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा ये चीज़ फ्रेंड्स ग्रीन हो सॉरी दोस्तों ब्लू हो जाएगा। तो गाइस देख सकते हैं जो मेरा फोटो है यहाँ पर 3D में हो चुका है। अब गाइस आपको यहाँ पर पोस्ट पर आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे दोस्तों आप यहाँ पे पोस्ट पे आप क्लिक करोगे आपका दोस्तों जो फोटो है यहाँ पर 3D में पोस्ट हो जाएगा। अब दोस्तों आपका फोटो 3D में हुआ है कि नहीं हो इसको देखने के लिए आपको गाइस क्या करना है आपका जो फेसबुक आपका दोस्तों फेसबुक का जो मेन ऐप है उसको फ्रेंड्स आपको ओपन करना होगा। तो चलिए अभी मैं आपका जो फेसबुक का मेरा मेन ऐप है उसको मैं यहाँ पर ओपन करके आपको दिखाता हूँ। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरा फेसबुक का मेन ऐप है उसको मैंने ओपन कर लिया है। अब दोस्तों जैसे आप यहाँ पे नीचे करके जाओगे तो गाइस देख सकते हैं जो मेरा पुराना फोटो है इसको मैंने यहाँ पे फिर रिफ्रेश में कर लेता हूँ कुछ इस तरह से और गाइस मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस देख सकते हैं जो मेरा फोटो है गाइस यहाँ पर आ चुका है और गाइस कितना बढ़िया तरीके से गाइस ये मुझे 3D में दिख रहा है देख सकते हैं। तो गाइस इस तरह से आप बहुत ही आसान से स्टेप को फॉलो करके गाइस आप कुछ इस तरह का फोटो आप 3D एडिटिंग वाला फोटो आप बना सकते हो अपने फेसबुक के लिए कुछ इस तरह का।
तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को फटाफट एक लाइक कर दीजिए। अगर फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर नए हो तो आपको पता है आपको क्या करना है। अब दोस्तों बिना किसी देरी के चलिए वीडियो पर अभी एंडिंग लगाते हैं।